चलता हूँ ना, मैं सरहद पर हूँ ना सत्ता में खड़ा हूँ, मैं भरा का सूक्ष्म कलू कह नहीं सकता खड़ा हूँ, मैं भला इस देश की मिट्टी को क्या दे पाऊंगा, अक्षरों से गीत बुनकर वंदना भर जाऊंगा, मैं शहीदों के चरणों के धूल का कणभर नहीं, मैं इनके बलिदानों के आगे त्याग का टैब नहीं, मैं धरा की अस्मिता का अंश गर्वित कर रहा हूँ, मैं शहीदों की चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, मैं शहीदों की चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। हम सभी लोग अपने शिक्षकों एवं भगवान का अपने ऊपर हाथ मांगते हैं सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए। मैं अपने भगवान और शिक्षकों का हाथ अपने ऊपर क्यों मांगता हूँ ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि खनक करने की छनक पायल की ना भाती मुझे, कि खनक करने की छनक पायल की ना भाती मुझे, माँ भारती की अश्रुधारा जब याता दी मुझे, तो उजड़ती मांगे माँ का रोना देखकर, बहन की सिसकी लखन का दुखित होना देखकर, मैं दशरथों व्यवस्था लाचारियों को गाऊंगा, मैं सदा दिनकर पवारों की कथा दोहराऊंगा, यदि महादेव और मेरे गुरुओं का हाथ रहा मुझ पर, तो मैं सच सदा कहता रहूंगा और इसी प्रकार देशभक्ति की नदी में बहता रहूंगा, और इसी प्रकार देशभक्ति की नदी में बहता रहूंगा। कि आप सुनना चाहते हैं प्रेम के पढ़े मिले को, आपको तय करना होगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के पढ़े मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते हैं किस्सा कोई परी या महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय बातें सभी, इश्क के आवेश में डूबी हुई रातें सभी, वो हसी के गीत या इस धरा की वेदना, आधुनिकता में कुचलती मानवीय संवेदना, बोलो गुलाबी गाल गाऊं या किसी आदर्श को, ही राजा या सभी मजदूर के संघर्ष को, बकवास में और देशभक्ति में आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या। जहाँ जीवन काटने के लिए प्यार है अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, संस्कारों के लिए मानस है और कुरान है, गर्व करने के लिए देश हिंदुस्तान है, इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या ये बतलाए, इससे भी सुंदर विश्व में है कुछ तो मुझे दिख रहा है, एहसान माने उसका ये धरा तुमको मिली, एहसान माने उसका ये धरा तुमको मिली, मौसम मिली नदियां मिली माँ उर्वरा तुमको मिली, कष्ट तो इतना है जिनके घर थे वो बेघर मिले, इस देश के लोगों से ही इस देश को दो स्वर मिले, एक स्वर है भोग का एक स्वर उद्दान का, एक स्वर केवल पतंग का एक स्वर बलिदान का, एक स्वर में जगमगा एक में कोहरा घना, एक में झूठी खुशी एक में दुख सौ गुना, इस देश के दो स्वर है तू एक चुनकर गुनगुना, मैंने चुना है देश तुम सोचो तुमने क्या चुना, मैंने चुना है देश तुम सोचो तुमने क्या चुना। दोस्तों जेएनयू में कुछ लोग कुछ छात्र नाम तो नहीं लूंगा बोलते हैं कि हम ये तिरंगा झुका देंगे, ये तिरंगा कदमों में लाएंगे इंशाअल्लाह बोलते हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा ये जज्बा जंग लेने का कभी भी चुक नहीं सकता, ये जज्बा जंग लेने का कभी भी चुक नहीं सकता, ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, अरे कन्हैया हो या हो खालिद लगा ले जोर, कितना भी बदन में जान है जब तक तिरंगा दोस्तों कई मुद्दे थे जो वर्तमान सरकार ने अभी समाप्त की है, उसमें से एक मुद्दा जो मैं उस पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा, कश्मीर 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 दशकों से गान यही गाया जा रहा था जी, कि कश्मीर 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 दशकों से गान यही गाया जा रहा था जी, खोल भी हमारा और खाल भी हमारा, परंतु ढोल तो उन्हीं का बजाया जा रहा था जी, भारत को गाली फवाली दे रहे थे और भारत को मुर्दा बताया जा रहा था जी, कश्मीर घाटी में भारत की माटी में भारत का झंडा जलाया जा रहा था जी, भारत का झंडा जलाया जा रहा था जी, जितना धरा पर जल उतना बहाया रक्त हमने, तब कहीं झेलम का नीर मिल पाया है, जो अपना था उसे अपना बनाने में लगे 70 वर्ष हमको, बड़े लंबे समय के बाद ये खाई पटी है, किन्हीं दो व्यक्तियों का इसका श्रेय ना, जैसा आप लाखों शीश दिए तब जाकर 370 हटी है, तब जाकर 370 हटी है, अभी तो सफर का आगाज है, अभी तो सफर का आगाज है, दिल्ली तक जाऊंगा, आप लोग का हाथ रहा मेरे गुरुओं का हाथ रहा मुझ पर, तो मैं एक दिन भी बड़े पोस्टरों में नजर आऊंगा, धन्यवाद, मैं इसी के साथ अपने विराम को जारी रखूंगा।